तो आज हम बात करेंगे द फादर ऑफ ऑल कॉमबैक्स। इट इज द बेस्ट कॉमबैक बाय ए मेन स्ट्रीम हीरो इन ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम और प्रोबेबली द वेरी बेस्ट। द शाहरुख खान की मूवी पठान के मूवी रिव्यू के बारे। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू SRK। सिद्धार्थ आनंद ने शाहरुख खान के पोटेंशियल को 4 साल के बाद जो स्क्रीन पे लाया है विथ अ जूसी स्क्रिप्ट, क्योंकि आज तक जितने भी स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, एक था टाइगर वॉर, टाइगर जिंदा है और अभी ये पठान, पठान की स्टोरी लाइन और कैरेक्टर आर्क बहुत ज़्यादा फ्लेशी है और डीप रूटेड है और सेकेंड हाफ के ट्विस्ट और टर्न्स आपको ऑन द सीट एज पर बैठने के लिए मजबूर करते हैं। और सिद्धार्थ आनंद की ये पिक्चर उनकी अपने करियर की बेस्ट पिक्चर है जो कि वर्थ है वेट भी कराती है ऑडियंस को। और सीटी ताली थिएटर में गूंजना वो तो एकदम कॉमन सी बात है। अब बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव्स की। पॉजिटिव नंबर 1, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर आर्क। दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर आर्क बिल्कुल ही ग्रे है। वो किसी पल में सह है, किसी पल में मात है। वो किस पल आपको धोखा दे सकती है और पठान किस तरह उसके जाल में फंस जाता है वो तो आपको मूवी बड़े पर्दे पर देखने पे ही पता चलेगा। और जॉन अब्राहम आज जिम, आप जाओगे थिएटर बन के पठान देखने बट आओगे जिम का फैन होके। ये कैरेक्टर बिल्कुल ही एंटी कैरेक्टर है और बहुत ही पावरफुल है। पठान जितना दिखता है कि वो बल्ड अप शरीर है बट जिम का जो फिजिकलिटी है और वो टॉप मोस्ट एजेंट रह चुका है इंडिया के रॉ का, वो दिखता है उसके एटीट्यूड, उसके मैनरिज्म सब में। पॉजिटिव नंबर 2, इसमें ये तो नो ब्रेनर है कि बहुत जन को पता ही है कि सलमान खान का केमियो है बट लोग छिपते क्यों फिर रहे हैं कि ये स्पॉयल हो जाएगा। हालांकि कबीर का होता वो मानने में आता बट सलमान खान तो कन्फर्म था। वो सीन इंटरवल के बाद जो आता है और वो जब बोलता है भाग पठान भाग, इट वॉज अ श्योर इमोशनल मोमेंट और ये मास थिएटर हिस्टोरिक मोमेंट था। आप इसको देखोगे तो इसकी इम्पोर्टेंस समझोगे और Tiger 3 में पठान भी जाएगा उसके हेल्प करने, रशिया जा सकता है। हालांकि ये रशिया में सीक्वेंस शूट है एक ट्रेन के ऊपर जो कि बहुत ही मास बिल्डअप देती है इस फिल्म को। पॉइंट नंबर 3, इसकी साउंड डिजाइन। साउंड डिजाइन एंड BGM बाय अंकित एंड सचिन बलहरा, स्पेशली द जिम थीम एंड द पठान थीम, वो इतना बेहतरीन है और दोनों के इंट्रो पे जब वो बजता है ऐसे गूजबम्स वाला फीलिंग लाता है और थिएटर के ऊपर साउंड इतनी क्लियर स्ट्रक आती है उस साउंड की नोट्स पर, मानना पड़ेगा और चूम जाने का मन करता है उनके हाथ को। अब बात कर लेते हैं इसके VFX की। इसकी VFX इतनी इनकंसिस्टेंट और टैकी है, चाहे वो दुबई की हमर वाली सीक्वेंस हो, चाहे वो एरोप्लेन वाली सीक्वेंस हो, वो जेटपैक वाली सीक्वेंस हो और वो आइसकेप पर बाइक चेस सीक्वेंस हो, वो पीछे ग्रीन स्क्रीन विजिबल हो जाता है और पता लगता है कि दोनों के शरीर पर फेस मैपिंग क्लियरली विजिबल है। इसका मैं फायदा या बेनिफिट ऑफ डाउट YRF को भी दे सकता हूँ क्योंकि ये पूरी 80-85% मैं बोलता हूँ कि ये कोविड के दौरान ही शूटिंग हुई है YRF स्टूडियो पे। डिफरेंट प्लेट्स ला के दुबई से इनको VFX करा गया है और इंडिया की VFX इतनी एडवांस अभी तक नहीं हुई है कि आपको विजिबली सीन ना हो, तो ठीक ठाक है बट आपको एक मूवी देखना है ना, उतना फर्क नहीं पड़ता। दूसरी नेगेटिव है पठान की गैंग। उसके जो गैंग मेंबर्स है वो इतनी एज्ड आउट नहीं है, उनको ऐसे सडनली अनाउंस कर दिया गया और उनके बारे में कुछ बताया नहीं है। हालांकि ये तो बताया जाता है कि वो रॉ के एक्स मिलिट्री एजेंट्स है और वो बैटल में ब्रूइस्ड वाले थे जिनका रॉ ख्याल नहीं रखता है क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं होता। अगर आप एक बार पकड़े जाओ तो आप उनके हो जाते हो और हम लोग नेगोशिएट नहीं करते टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने एजेंट के लिए। वो जो बताया गया है उनके एजेंट्स का एक बायोडाटा देते हैं कि कौन क्या था पहले, कौन से मिशन में, जो कि आपको थोड़ा लग सकता है। और इसकी स्टोरी भी इतनी कॉम्प्लेक्स तो है बोल सकते हैं क्योंकि स्पाई यूनिवर्स को सेटअप कर रही है और बायोलॉजिकल वेपन का आर्क जब आता है, जिम का आर्क, और जब एक्सप्लेन करता है क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो एट ए टाइम स्लो हो सकती है क्योंकि इनको आगे अपना यूनिवर्स भी सेटअप करना है, रेफरेंसेस मारने हैं, जो कि आपको बहुत ही केयरफुली अंदाजे से देखना तो बनता है, तो इसलिए आपको थोड़े आउट ऑफ टाइम्स बोरिंग लग सकते हैं पर वो चलता है। ये तो हो गई मेरी थिएटर एक्सपीरियंस और रिव्यू, और आगे 2-3-4 दिन के बाद हम इसके स्पॉइलर भी करेंगे और आगे रेफरेंसेस भी मारेंगे कि कैसे कंटिन्यू हो सकता है और विलेन, इनका बिग डैडी
थैनोस इनका यूनिवर्स का कौन बन सकता है, और कबीर के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट विलन्स इमरान हाशमी जो पाक का टाइगर बनने वाला है टाइगर 3 में, और टाइगर 3 में क्या हो सकता है, इन सब के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम एन यूट्यूबर।